तो दोस्तों चलिए आज चलते हैं हम मेजा कोणार में स्थित भगवान शिव के सिद्धेश्वर नाथ पहाड़ी महादेव के मंदिर में। ये नदी है टोंस जो प्रयागराज से कोणार घाट जाते वक्त रास्ते में पड़ती है। दूधराज गांव से होकर ये रास्ता गुजरता है और ये है वो पहाड़ी जहां पर भगवान शिव का मंदिर स्थित है। ये लगभग 20-25 किलोमीटर की वीरान पहाड़ी है, यहीं पर भगवान शिव का मंदिर है। तो चलते हैं थोड़ा स्पीड में। इस मंदिर की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। एक कहानी है जिसके मुताबिक लगभग शायद ये अकबर के टाइम की बात है, अलाहाबाद का किला उस टाइम पे बन रहा था। तो कोई राजा अपने लाव लश्कर के साथ में इधर से गुजर रहा था और उन लोगों को बहुत प्यास लगी थी। वो लोग प्यास से तड़प रहे थे, गर्मी का महीना था, पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। यहाँ पर एक बरगद के नीचे भगवान शिव का मंदिर था छोटा सा। उस राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु हमारी प्यास बुझा दीजिए, हम आपका यहाँ पर एक बड़ा भव्य मंदिर बनवाएंगे। और फिर यहाँ पर भगवान शिव ने ज़मीन के अंदर से पानी का स्रोत पैदा किया, पानी का एक झील बन गया, पानी निकलने लगा और राजा ने जलकुंड बनवाया, पानी वहाँ पर इकट्ठा हो गया और सब ने अपनी प्यास बुझाई। ये वही झील है जहाँ से पानी निकला था, देखिए लगातार आज भी पानी निकल रहा है। और आगे जाकर एक जलकुंड मिलता है जो लोगों ने बनवाया था वहाँ पर, वो आज भी जलकुंड है, हम आगे दिखाएंगे आपको। ये देखिए एकदम साफ पानी है, मैंने यहाँ पर ये पानी पिया भी है, यहाँ पे नहाया भी था मैं। कहते हैं कि यहाँ पर हर हफ्ते में ये जो पानी है इसका रंग बदलता है। ये देखिए हल्का दूधिया है, हरा हो जाता है तो कभी लाल हो जाता है, तो कलर चेंज होता है इसका। पीछे मंदिर है, मेला लगा रहता है, पूरे सावन मेला चलता है यहाँ पर, शिव भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा होती है। अंदर चलते हैं प्रांगण में, प्रांगण में कई सारे मंदिर हैं, यहाँ पे प्रसाद बढ़ता रहता है। ये देखिए ये प्रसाद बढ़ रहा है यहाँ पर, भगवान शिव का मंदिर। ये है मुख्य मंदिर जो उस राजा ने बनवाया था, अभी भी एकदम पुराने अंदाज का बना हुआ मंदिर है। इसके प्रांगण में कई सारे मंदिर हैं, कई देवताओं के मंदिर हैं। ये देखिए वो ये वही मंदिर है। अभी अंदर हम लोग चलेंगे इसके और अंदर से देखेंगे मंदिर को कैसे बना हुआ है, और साथ ही सिद्धेश्वर पहाड़ी महादेव का दर्शन भी करेंगे। ये हैं नंदी बाबा जो भगवान शिव की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, जैसा कि हर एक शिव मंदिर में होता है। इसमें तीन रास्ते हैं इस मंदिर के। ये देखिए बहुत ही पुराना शिल्प है, पुराने अंदाज में बना हुआ है, जो उस वक्त कारीगर इलाहाबाद का किला बना रहे थे वही कारीगर आकर के फिर यहाँ पर मंदिर बनवाया था। ये वही जलकुंड है जहाँ से राजा का पूरा लाव लश्कर पानी पीकर अपनी जान बचाया था। बड़ा प्रांगण है, कई सारे मंदिर हैं। तो चलिए अब चलते हैं उस पीपल के पेड़ की तरफ जहाँ पर पहले भगवान
शिव का शिवलिंग रखा हुआ था, जहाँ पर आकर राजा ने उनके सामने विनती की थी कि प्रभु मेरी जान बचाइए, हमारी प्यास बुझाइए, अगर हम बच जाते हैं तो हम आपका एक बड़ा शिव मंदिर बनवाएंगे, ये वही पीपल का पेड़ है, यहाँ पर लोग आकर इसकी परिक्रमा करते हैं। और ये है सिद्धेश्वरनाथ का प्रसाद, जो पूरे महीने बंटता है भगवान शिव के भक्तों के सौजन्य से। यहाँ पर किस्म किस्म के जो हैं लजीज व्यंजन बनते हैं, तमाम कचालू, समोसे, जलेबियाँ, और पूरे सावन चलता है ये मेला, जहाँ दूर दराज से लोग आते हैं जिनकी आस्था भगवान शिव में सिद्धेश्वरनाथ में बहुत ही ज़्यादा होती है। तो कभी आप अगर इलाहाबाद आइए तो यहाँ पर अगर वक्त हो या वक्त निकालिए, यहाँ जरूर आइए। महादेव के हम दीवाने महादेव के हम। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, यहाँ पर लोग पिकनिक के लिए भी आते हैं, रुकते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, लुत्फ उठाते हैं और फिर जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और खूबसूरत जगह पर चलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।